कभी किसी से बड़ी नफरत उठे तो मैं एक सूत्र बताई देता हूँ, अपनी नफरत को और अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए किनारे रख के उससे एक घंटे बात कर लेना, फिर नफरत कर नहीं पाओगे और ज्यादा। इसीलिए जिन्हें नफरत कायम रखनी होती है वो पहला काम ये करते हैं कि बात करना बंद कर देते हैं, संपर्क तोड़ लेते हैं, कहते हैं सामने ही नहीं पड़ेंगे। सामने न पड़ने से बड़ी सुविधा रहती है, तुम दूसरे के बारे में अंडबंड कल्पनाएं कर पाते हो, वो सामने पड़ जाए तुम्हारी नफरत गिर जाएगी। नफरत मिटाने का सीधा उपाय यही है, जाओ बात कर लो, एक घंटे बात करोगे कोई बड़ी बात नहीं, फूट फूट के रो पड़ो, तुम भी रो रहे हो वो भी रो रहा है। आचार्य जी प्रणाम। मैं पिछले 2-3 महीने से ही आपसे जुड़ा हूँ यूट्यूब वीडियो से थ्रू। मैं पिछले 3 सालों से एक बड़े संकट से मैं जूझ रहा हूँ, अपने परिजनों को अपने आंखों के सामने जाते हुए देख रहा हूँ। पहले मेरा छोटा भाई 16 साल छोटा था, वो कैंसर से ग्रसित होकर अपनी जंग हार गया, चला गया। फिर मेरे पिता तुल्य चाचा जी चले गए 6 महीने बाद, और उसके बाद भी इना होकर अभी पिछले महीने मेरी 25 साल से जो मेरे साथ थी अर्धांगनी, वो भी कैंसर से पीड़ित होकर चलेगी। अब ये दुख आते हैं जीवन में, पता हमें भी है कि ये सबको जाना, हमें भी जाना एक दिन, लेकिन इन दुखों से कैसे निकल पाएँ। अब मैं इसको ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए मैं पिछले 20 साल से टेनिस खेलता था, वो भी शुरू कर दिया दोबारा से खेलना, पीछे बंद कर दिया था, लेकिन मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा इन दुखों से। इनसे निकलने का कोई मेरा मार्गदर्शन करें जिससे आगे से मैं वो आने वाले और दुखों में जो भी अगर आने हैं तो उनसे मैं सह सकूँ। जिस आप माहौल में रह रहे हैं, जिस माहौल में इन सब दुखों को अनुभव करा, कोशिश करिए कि उस पूरे माहौल से ही बाहर आ जाएं। जो जीवन हम जीते हैं उसमें मौत की छाया तो लगातार है ही, बस कई बार संयोग होता है कि वो बात प्रकट होकर के साक्षात सामने नहीं आती। 20-20, 40-40 साल हो जाते हैं, कुछ घरों में कभी मृत्यु नहीं होती, और कभी संयोग ऐसा हो जाता है कुछ घरों में 2-4 साल में ही 3-3, 4-4 मौतें हो जाती हैं। ये जो त्रासदी है, जो गहरा दुख है, इसको ही सच्चाई की तरफ बढ़ने का साधन बना लीजिए। ऐसी जिंदगी जीनी ही क्यों फिर, जिसमें मौत की इतनी गहरी लंबी काली छाया हो। वो सभी की जिंदगियों पर है, लेकिन चूंकि प्रकट नहीं होती तो लोग उन्हीं जिंदगियों को जिए जाते हैं। हाँ, अभी कल ये करना है, फिर परसों ये करना है, फिर 10 साल बाद ये करना है, ऐसे करेंगे। सबका जैसे विश्वास यही हो कि अमर है, आपका वो विश्वास खंडित हो चुका है। आप अब चाहें भी तो भी मृत्यु को भुला नहीं सकते हैं। इसी खंडन का सदुपयोग कर लीजिए, जीवन ही बदल डालिए पूरा। कहिए कि जैसा जीवन पहले चल रहा था अगर वैसा ही चलता रहा तो मृत्यु भी स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले चली है। मौत सिर्फ तभी नहीं है ना जब देह गिर जाए, मानसिक मृत्यु भी तो होती है। हम जिसको जीवन कहते हैं उस पर बहुत मौत है। शरीर तो उसमें 10-40 साल में कभी एक बार गिरते हैं, मन की मौत उसमें लगातार होती रहती है। वैसा जीवन आगे बढ़ाया क्यों जाए, जीवन ही पूरा बदल दीजिए। क्या कोई ऐसा नया जीवन हो सकता है जिसको मौत न छू सकती हो?
मौत न छू सकती है उसे मेरा आशय ये नहीं है कि जिसमें आपका शरीर अमर हो जाएगा या आपके प्रियजनों का शरीर अमर हो जाएगा, किसी का अमर नहीं होना, अभी आपने ही कहा। पर मृत्यु से अछूता जीवन क्या कुछ होता है और जिया जा सकता है? मैं समझता हूँ अपने दुख को आपे से जिज्ञासा में बदल दीजिए, क्योंकि अगर मृत्यु से अछूता जीवन नहीं है तो जीवन तो फिर बस दुख मात्र है ना। एक के बाद एक सब कतारबद्ध खड़े हुए हैं, सबको जाना, एक जाएगा, जो बचे हैं वो दुख मनाएंगे, और अभी शोक काल पूरा भी नहीं होगा, किसी और के जाने की घड़ी आ जाएगी। हाँ, अवधियों में अंतर होता है, कभी एक साल, कभी एक दशक। ये बात मैं और लोगों से बोलूंगा तो उन पर शायद बहुत असर ना करे, वो कहेंगे नए जीवन की जरूरत क्या है, जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है। आप जरा अलग स्थिति में है अभी, आपको दिख रहा है कि जैसा अभी चल रहा है उसमें मृत्यु कितनी ज्यादा है, आपके सामने बहुत प्रकट, बहुत स्थूल प्रमाण आ चुके हैं, तो आप और लोगों से कहीं बेहतर स्थिति में हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। एक नई शुरुआत कर डालिए, पुराने ही माहौल में रहेंगे, पुराना ही बाकी सब कुछ जैसा चल रहा है चलने देंगे तो बस दुख बना रहेगा और लाभ कुछ नहीं होगा। जो गए हैं उनकी यादें रहेंगी, अकेलापन रहेगा, बेचैनी रहेगी, दुख आप पूरा झेलेंगे लेकिन उस दुख से जो लाभ हो सकते थे वो लाभ नहीं मिलेंगे, दो तरफा नुकसान होगा। मैं आपकी नौकरी या आपके व्यवसाय वगैरह से परिचित नहीं हूँ, पर जितना संभव हो सके पूरा ही सब कुछ बदल डालिए, एक एकदम नई शुरुआत करिए, और नई शुरुआत पुराने का ही एक नया संस्करण नहीं होनी चाहिए, नई शुरुआत का आधार दूसरा होना चाहिए, उसका आधार होना चाहिए मृत्यु से मुक्ति। मृत्यु से मुक्ति का क्या अर्थ है? अमरता, और अमरता माने क्या होता है? आत्मा, सत्य, तो उसका आधार आध्यात्मिक होना चाहिए।